हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर कोलोन कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो कि कोलोन कैंसर क्या होता है। फ्रेंड्स, कोलोन कैंसर एक टाइप का कैंसर होता है जो तब होता है जब कोलोन में या कोलोन की परत वाली सेल्स, जो सेल्स होती हैं, वो एबनॉर्मल हो जाती हैं और अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लग जाती हैं। ठीक है, कोलोन एक ट्यूब होती है जो लगभग 5 to 6 feet लंबी होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को रेक्टम से जोड़ती है। कोलोन और रेक्टम एक साथ लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं। अपचित भोजन, जो हमारा अपचित भोजन होता है, रेक्टम की ओर बढ़ता है और मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, कोलोन क्षेत्र में शुरू होने वाले कैंसर को कोलोन कैंसर के रूप में जाना जाता है, जबकि रेक्टम के कैंसर, जो रेक्टम जो होता है, रेक्टम में कैंसर को रेक्टल कैंसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, रेक्टम या कोलोन कैंसर को प्रवाहित करने वाले कैंसर को कोलोरेक्टल कैंसर के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जो कैंसर हमारा रेक्टल के अंदर और कोलोन में, अगर दोनों में होता है तो उस कंडीशन को कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर कोलोन कैंसर के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के जो हमारे इसमें टॉपिक रहेंगे कि हम किस किस टॉपिक पर बात करेंगे, तो फ्रेंड्स, कोलोन कैंसर कितने टाइप के होते हैं, कोलोन कैंसर के सिम्टम क्या क्या होते हैं, कोलोन कैंसर के जोखिम कारक यानी रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, कोलोन कैंसर को डायग्नोज कैसे किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और कोलोन कैंसर के बचाव क्या होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम इन सभी टॉपिक पर इसमें डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। फ्रेंड्स, कोलोन कैंसर कितने टाइप के होते हैं, यानी कितने प्रकार के कोलोन कैंसर होते हैं। डिफरेंट टाइप के कोलोन कैंसर डिफरेंट टाइप के कैंसर सेल्स पर निर्भर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जहां वे बनते हैं वहां विभिन्न प्रकार के स्टमक के कैंसर शामिल है, जैसे कि एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा का निर्माण उन सेल्स के भीतर होता है जो रेक्टम या कोलोन में म्यूकस बनाती हैं। ठीक है, लिम्फोमा, लिम्फोमा पहले लिम्फ नोड या कोलोन में विकसित हो सकता है। सार्कोमा, सार्कोमा क्या होता है, ये सॉफ्ट टिश्यू में बनते हैं, जैसे कोलोन की मांसपेशियां। ठीक है, कार्सिनोइड्स, कार्सिनोइड्स क्या होता है, ये आंतों के भीतर मौजूद हार्मोन्स बनाने वाली सेल्स को कार्सिनोइड्स का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, यानी आंतों के भीतर मौजूद हार्मोन बनाने वाली सेल्स में कार्सिनोइड्स का निर्माण शुरू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइल स्टोमल ट्यूमर। इस टाइप के ट्यूमर आमतौर पर पहले गैर कैंसर होते हैं, ठीक है, और बाद में ये कैंसर का रूप ले लेते हैं या कैंसर बन जाता है। वे आमतौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम में बनते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि कोलोन कैंसर के कारण क्या होते हैं या किस कारण से कोलोन कैंसर होता है। फ्रेंड्स, कोलोन कैंसर का सही कारण का अभी कंफर्म नहीं है, यानी कि इसका जो सही कारण है वो अभी अज्ञात है। ठीक है, शोधकर्ता अभी भी कोलोन कैंसर के विभिन्न संभावित कारणों का स्टडी या अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ठीक है, कोलोन कैंसर वंशांगत या अधिग्रहित अनुवांशिकी म्यूटेशन के कारण हो सकता है। ये म्यूटेशन हमेशा कोलोन कैंसर में विकसित नहीं होते हैं, लेकिन वे कोलोन कैंसर के विकास की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। कुछ म्यूटेशन क्या होते हैं, कोलोन के स्तर में असामान्य सेल्स यानी कि एबनॉर्मल सेल्स के संचय का कारण बन सकते हैं। इसमें छोटे गैर कैंसर युक्त
विकास होते हैं जिन्हें पॉलिप्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सर्जरी के जरिए इन पॉलिप्स को हटाना जरूरी है। अनुपचारित पॉलिप्स कैंसर बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि कोलोन कैंसर के जो रिस्क फैक्टर हैं वो क्या होते हैं। कोलोन कैंसर के क्या कारण हैं, यानी इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं? फ्रेंड्स, कुछ जोखिम कारक यानी जो कुछ रिस्क हैं इसके जो कोलोन कैंसर की संभावना को बढ़ाते हैं। सबसे पहले आता है इसमें वृद्ध अवस्था। हालांकि कोलोन कैंसर किसी भी एज में हो सकता है, क्योंकि इसका कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता, यह किसी भी एज में हो सकता है। लेकिन कोलोन कैंसर से पीड़ित अधिकांश लोगों की जो एज मानी जाती है या मानी गई है वो एवर 50, यानी कि 50 से अधिक उम्र की एज में कोलोन कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कोलोन कैंसर का इतिहास, यानी कि कोई हिस्ट्री। यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही कोलोन कैंसर हो चुका है या गैर कैंसर यानी कि गैर कैंसर वाले कोलोन पॉलिप्स की हिस्ट्री है तो कोलोन कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अमेरिकन और अफ्रीकन रेस, यानी कि जो लोग अफ्रीका और अमेरिका से होते हैं यानी कि अमेरिकन होते हैं, उनके अंदर कोलोन कैंसर अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इन्फ्लेमेटरी बॉयल डिजीज। कोलोन कैंसर की पुरानी सूजन की स्थिति जैसे क्रोहन डिजीज। क्रोहन डिजीज क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की परत को प्रभावित करने वाली सूजन जिसे बॉयल डिजीज बोलते हैं। ठीक है, और अल्सरेटिव कोलाइटस। अल्सरेटिव कोलाइटस क्या होता है, आमतौर पर जो कोलोन है और रेक्टम की आंतरिक परत में देखी जाने वाली सूजन बॉयल डिजीज की संभावना बढ़ सकती है और स्टमक कैंसर का विकास हो सकता है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके अंदर आता है फिर पारिवारिक इतिहास, यानी कि कोई फैमिली हिस्ट्री। यदि निकट के परिवार में यानी कि कोई आपके परिवार में कोई व्यक्ति कोलोन कैंसर से पीड़ित है तो कोलोन कैंसर होने का खतरा अधिक हो सकता है। ठीक है, हेरिडिटी सिंड्रोम। कुछ जीन म्यूटेशन जो फैमिली की विभिन्न पीढ़ियों से गुजरते हैं स्टमक के कैंसर की संभावना को बढ़ाते हैं। ठीक है, उच्च वसा और कम फाइबर वाला आहार, यानी कि हाई फैट और लो फाइबर वाला अगर कोई खाना खाते हैं उनके अंदर भी कोलोन कैंसर होने का खतरा हो सकता है। डायबिटीज, जिन लोगों में डायबिटीज है उनको भी कोलोन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। मोटापा, जो लोग मोटे यानी कि जो मोटे व्यक्ति को कोलोन कैंसर होने का खतरा अधिक होता है। व्यायाम की कमी, जो लोग निष्क्रिय होते हैं उनमें भी कोलोन कैंसर होने का खतरा रहता है। ठीक है, स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग, जो ज़्यादा तादाद में जो अल्कोहल लेते हैं उनको भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, जैसे कि किसी को कोई पिछले कैंसर के उपचार यानी कोई पिछला कैंसर है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो ट्रीटमेंट के लिए दी जाने वाली रेडिएशन थेरेपी से भी कई बार क्या होता है कि कोलोन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारे होते हैं इसके कोलोन कैंसर के कारण। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम फ्रेंड्स कोलोन कैंसर के सिम्टम क्या होते हैं या इसके कोलोन कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स कोलोन कैंसर के कुछ सामान्य लक्षण इस टाइप से होते हैं, जैसे कि किसी पर्सन को दस्त लगना, ठीक है, कब्ज रहना, मल की स्थिति में चेंजेस या बदलाव होना, ठीक है, मल में ब्लीडिंग या ब्लड आना, ठीक है, रेक्टम ब्लीडिंग, पेट दर्द और बेचैनी, थकान, ऐसा महसूस होना जैसे कि जो आंत है वो पूरी तरह से खाली नहीं हुई है, ठीक है, वजन घटाने, तो ये सब चीज़ें इसके कोलोन कैंसर के सिम्टम होते हैं इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कोलोन कैंसर का डायग्नोस कैसे किया जाता है, यानी कि कैसे पता चलता है कि आपको
कोलोन कैंसर है। फ्रेंड्स क्या होता है कि डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट के शारीरिक जांच करता है, यानी कि उसका फिजिकल टेस्ट करता है, उसकी बॉडी की जांच करता है और पेशेंट की संपूर्ण चिकित्सा और पारिवारिक हिस्ट्री को भी नोट करता है, ठीक है। बाद में डॉक्टर कोलोन कैंसर के डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट की भी सलाह देता है, जिसमें सबसे पहले ब्लड टेस्ट आता है कि इसके अंदर कौन सा ब्लड टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स कोलोन कैंसर के कारण का अंदाजा लगाने के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी जिसे हम सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट भी बोलते हैं, और साथ में लीवर फंक्शन टेस्ट जिसे हम एलएफटी टेस्ट बोलते हैं, ये कराने की सलाह सबसे पहले देता है, ठीक है। इसका दूसरा टेस्ट होता है जिसे हम फिकल टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट जो हमारा स्टूल होता है, स्टूल के सैंपल से किया जाता है। इस टेस्ट के अंदर, यानी कि जो हमारा स्टूल टेस्ट है जिसके अंदर हम फिकल टेस्ट कर रहे हैं, इस टेस्ट में किसी टाइप के छिपे हुए ब्लड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ये टेस्ट अगर आपकी एज अबव 50 है तो साल में एक बार जरूर कराना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके लिए सिग्मोडेस्कोपी, सिग्मो इंडोस्कोपी सॉरी। ये क्या होता है सिग्मो इंडोस्कोपी, ये एक छोर पर एक लचीली ट्यूब का उपयोग करके असामान्यताओं के लिए सिग्माइड कोलोन यानी कोलोन का अंतिम भाग की जांच करने के लिए की जाने वाली न्यूनतम इन्वेंसिव प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स के अंदर कोलोनोस्कोपी। इस प्रक्रिया में किसी भी ट्यूमर की उपस्थिति की जांच करने के लिए कोलोन और मलाशय यानी कि जिसे हम रेक्टम बोलते हैं के अंदर देखने के लिए एक छोर पर एक छोटे कैमरे के साथ एक लंबी ट्यूब का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसके अंदर कैमरे से देखा जाता है। फ्रेंड्स कुछ आते हैं इसके अंदर इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट में कौन कौन से करते हैं, जैसे एक्सरे हो गया, ठीक है, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, ठीक है, पीईटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एंजियोग्राफी हो गया, ठीक है। ये रेक्टम की विस्तृत छवि प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। और सबसे लास्ट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर बायोप्सी टेस्ट। बायोप्सी टेस्ट में क्या होता है कि ट्यूमर के टिश्यू के एक छोटे से हिस्से को स्टडी किया जाता है, यानी कि एक सर्जरी के थ्रू एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के और उसकी स्टडी की जाती है कि उसके अंदर कोई कैंसर टाइप की सेल्स तो नहीं दिख रही है, ठीक है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि कोलोन कैंसर का इलाज क्या होता है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स पेट के कैंसर का ट्रीटमेंट के कारण और गंभीरता पर निर्भर करता है। पेट के कैंसर के ट्रीटमेंट के कुछ तरीके शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सर्जरी। इसमें क्या होता है, सर्जरी के अंदर कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि कोलोन कैंसर की स्टार्टिंग स्टेज में डॉक्टर सर्जरी द्वारा कैंसर युक्त पॉलिप्स को हटा सकता है, यदि पॉलिप्स आंत्र की दीवारों के साथ जुड़ा नहीं है, ठीक है। यदि कैंसर आंत्र की दीवारों में फैल गया है तो सर्जन रेक्टम या कोलोन के एक हिस्से और जो उसका पड़ोसी लिम्फ होता है, यानी कि जो उसके पास का लिम्फ नोड्स होता है, उसको हटा सकता है। यदि संभव हो तो डॉक्टर रेक्टम के स्वस्थ हिस्से को वापस जो हमारा कोलोन है उसमें जोड़ सकता है, ठीक है। यदि अन्य प्रकार की सर्जरी संभव नहीं है तो डॉक्टर एक कोलोस्टॉमी कर सकता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए पेट की दीवारों में एक छोटा सा छेद बनाया जाता है। कोलोस्टॉमी अस्थायी और स्थायी दोनों टाइप से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है, कैंसर सेल्स को मारने के लिए कुछ दवाओं का उपयोग को कीमोथेरेपी कहा जाता है। कीमोथेरेपी ट्यूमर के विकास को नियंत्रित करने की में मदद करती है। कीमोथेरेपी आमतौर पर किसी भी कैंसर ग्रस्त सेल्स को नष्ट करने के लिए सर्जरी के बाद की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी क्या होता है, सर्जरी से पहले और बाद में कैंसर सेल्स को लक्षित करने और नष्ट करने के लिए एनर्जी के एक शक्तिशाली बीम के उपयोग को रेडिएशन थेरेपी कहा जाता है,
रेडिएशन थेरेपी का उपयोग अक्सर कीमोथेरेपी के साथ या दोनों के कॉम्बिनेशन में किया जाता है। और सबसे लास्ट होता है फ्रेंड्स कुछ मेडिसिन। कुछ मेडिसिन का उपयोग पेट के कैंसर के इलाज के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इन मेडिसिन का उपयोग लेट स्टेज कोलोन कैंसर के मामले में किया जाता है जब उपचार के अन्य विकल्प हो जाते हैं, ठीक है, और कैंसर शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स कोलोन कैंसर से कैसे करें बचाव? तो फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारे जीवन शैली में बदलाव से कोलोन कैंसर के रोकथाम में मदद मिल सकती है। अगर हम अपनी जीवन शैली के अंदर यानी कि कुछ बदलाव अगर हम करते हैं तो कोलोन कैंसर से हमें बचा जा सकता है। तो इसमें हमें क्या-क्या बदलाव करने चाहिए? जैसे कि कुछ लोग डेली मीट खाते हैं, ठीक है, तो डेली मीट हमें नहीं खाना चाहिए, और हॉट डॉग, ठीक है, रेड मीट का सेवन सीमित होना चाहिए, कम वसा वाला आहार, ठीक है, पौधे आधारित खाद्य पदार्थों की खपत में वृद्धि, यानी कि जो पौधे आधारित खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी जो खपत होती है उसमें हमें थोड़ी वृद्धि करनी चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करें, अगर कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं तो वो थोड़ा सा उसको कम करें, ज्यादा ना करें, ठीक है। मोटापे के मामले में वजन में कमी, शराब के सेवन में कमी, डायबिटीज को नियंत्रित करना, तनाव के स्तर में कमी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह की कुछ एक्टिविटी करने से यानी कि अपनी डेली डाइट को अगर चेंज करने से जो हमारा कोलोन कैंसर है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।